हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भरत के डॉग्स में। डब्बू डॉली अभी काफी एग्रेसिव बार्क कर रहे हैं, इसका मतलब आसपास कोई जंगली जानवर होगा। इन्हें कुछ दिख तो नहीं रहा, पर इनका जो सेंस होता है ना, काफी अच्छा होता है। तो ये अपनी स्मेल पावर से पता लगा लेते हैं कि आसपास कुछ है, और ये खतरे को आने से पहले ही दूर से ही उसे भांप लेते हैं। इसीलिए चारों तरफ भाग के बार्किंग कर रहे हैं। जैसे अगर इस बीच इनको कुछ दिख गया तो ये अटैक करने में भी देर नहीं करते हैं। दोस्तों, फिलहाल मेरा गेट लॉक है अभी, वरना गेट खुला रहता तो ये वहीं पहुंच जाते जहां ये देख रहे हैं, या फिर जहां से इनको कुछ सस्पेंस टाइप का लग रहा है। दोस्तों, हमारा घर एक अकेली जगह पे है और हमारे घर के थोड़ा ऊपर से ही जंगल स्टार्ट हो जाता है, तो अगर ये डॉग ना हो तो जंगली जानवरों से काफ़ी खतरा रहता है हमको। तो ये डॉग ऐसी जगह के लिए काफ़ी बढ़िया है। और डॉली को देख सकते हो आप, अभी 10 मंथ की है पर बहुत अच्छे से गार्डिंग कर रही है, और जैसे ही बड़ी होती जाएगी ये तो इसकी गार्डिंग स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और ये बहुत अच्छी गार्ड डॉग बनेगी। दोस्तों, मेरे हिसाब से गांव के पर्पस के लिए भूटिया डॉग बेस्ट हैं। आप इनको कहीं भी रख सकते हैं, ये बेस्ट गार्ड डॉग होते हैं। गांव के पर्पस के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ गांव में लेपर्ड का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये डॉग्स थोड़ा उन लेपर्ड से मुकाबला कर पाते हैं अगर इनके गले पे पट्टा लगा हो। तो बाकी जो नॉर्मल डॉग्स रहते हैं गांव में, तो वो लेपर्ड का सामना बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये डॉग्स हर घर में होना चाहिए भूटिया। अगर इस पे इसके गले पे प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइक कॉलर या पाटा लगा लिया तो ये डॉग सिंगल भी लेपर्ड के लिए बहुत चुनौती दे देगा। ये डॉग लेपर्ड सिंगल भी इसको नहीं मार पाएगा अगर इसके गले पे पट्टा हो। अगर दो डॉग हो एक साथ तो फिर तो क्या ही कहना, फिर तो लेपर्ड इनके सामने नहीं आता है, मारना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। Ha ha ha!